हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप एप्पल आईफोन यूज करते हैं, आप अपने डिवाइस पर दो एप्पल की आईडिया यूज करना चाहते हैं, कैसे आप कर सकते हैं? कुछ आसान से स्टेप बताता हूं, उनके द्वारा आप ये कर पाएंगे। सबसे पहले, अगर आपको दो एप्पल आईडी यूज करनी है कुछ आपके जरूरी चीजों के कारण से, तो सिंपल से आपको अपनी सेटिंग्स पर आ जाना है और एप्पल का जो अकाउंट देखने को मिल जाता है इस पर आपको टैप करना है। इसमें आपको जो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं ऑप्शंस में एक आपको नीचे की तरफ ऑप्शन देखने को मिल जाता है मीडिया एंड परचेस का। इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप साइन आउट कर देंगे। साइन आउट करने के बाद आप साइन आउट पर टैप कर देंगे। अब आपको मीडिया एंड परचेस पर सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस आईडी के द्वारा ही आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नॉट वाला जो ऑप्शन है उस पर आप टैप कर देंगे। अपना जो दूसरा एप्पल अकाउंट है उसको आप डाल लेंगे और दूसरा अकाउंट डालने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आप उसका पासवर्ड डाल लेंगे, उसके बाद आप डन कर देंगे और इसके बाद आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड है वो आपके डिवाइस पर आ जाएगा, वो आप कोड डाल लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अकाउंट है वो साइन इन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ऊपर मेरा डिफरेंट अकाउंट साइन इन है और नीचे डिफरेंट। तो इस तरीके से आप दो एप्पल आईडी यूज कर सकते हैं। ये वाली जो एप्पल आईडी है ऊपर वाली, ये आपकी केवल और केवल डिवाइस को अपडेट करने के काम में आएगी, और दूसरी वाली से आप ऐप स्टोर पर जाकर के कुछ भी परचेस करना चाहे, म्यूजिक में कुछ भी परचेस करना चाहे, वो सब कुछ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टैप करके मेरी जो एप्पल आईडी जो पहली वाली है वो शो होती है, लेकिन मैं दूसरी पर जाना चाहूँ तो यहाँ से ये जो साइन इन करने का ऑप्शन है वो दे देता है। इस जगह से मैं साइन इन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने पर डेवलपर वीटा को खो दूंगा। इस कारण से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर आप डेवलपर वीटा यूजर नहीं है तो भी आप दो आईडी यूज कर सकते हैं और दूसरी आईडी के द्वारा आप जो एप्पल के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका आप यूज कर सकते हैं ऐप स्टोर पर। जैसे कि मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो दूसरा वाला अकाउंट है वो साइन इन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहला वाला अकाउंट है वो यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइस पर एप्पल के आईफोन पर आप दो आईडियां यूज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।